दोस्तों, अगर आप भी सीआईडी शो देखना पसंद करते हैं और आपको सीआईडी के इंस्पेक्टर दया यानी कि दयानंद शेट्टी को देखना अच्छा लगता है तो सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्पेक्टर दया यानी कि दयानंद शेट्टी के ऊपर होने वाले हमले के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दयानंद शेट्टी यानी कि इंस्पेक्टर दया जो कि सीआईडी के सबसे खास अफसर हैं, सबसे ताकतवर इंसान हैं सीआईडी के, उन पर हो चुका है जानलेवा हमला। तो दोस्तों, ये जो हमला है ये आपको सीआईडी के सीजन 2 में और सीआईडी वेब सीरीज में दोनों ही में आपको देखने को मिलेगा। जो सीआईडी के सीजन 2 में इंस्पेक्टर दया पर हमला हुआ है, होता यह है कि दोस्तों सीआईडी की टीम एक केस की छानबीन करने एक अकेली मतलब सुनसान गुफा में पहुंचते हैं, जिस गुफा में जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो गुंडे होते हैं, वो पहले से छिपे रहते हैं। और जब सीआईडी की टीम वहां पे पहुंचती है तो दोस्तों वो लोग घात लगाकर सीआईडी की टीम के ऊपर हमला कर देते हैं। तो दोस्तों सीआईडी की टीम जल्द ही खुद को संभाल कर उस हमले का जवाब देने लगती है। दोनों के बीच दोस्तों काफ़ी गोलीबारी भी होती है और आखिर में सीआईडी की टीम, जैसे आप सबको पता होगा, हमारे शो में, हमारे सीरियल में आखिर में हीरो ही जीतता है। तो सीआईडी की टीम आखिर में जीत जाते हैं, लेकिन दया के कंधे पर गोली लग जाता है। उसके बाद दोस्तों सीआईडी की टीम इंस्पेक्टर दया को उठाकर अस्पताल लेते हैं। वहाँ पर उनकी डॉक्टर जो है उनके कंधे से गोली निकाल लेते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर दया जो है वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। ये जो एपिसोड है दोस्तों, इसमें आपको काफ़ी सारा गोलीबारी देखने को मिलेगा, काफ़ी सारा बाइक राइडिंग भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सीआईडी के अफसर कुछ गुंडों का पीछा करते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि ये एपिसोड जो है वो इंडिया में ही शूट हुआ है, तो आपको इंडिया में जितने भी जंगल और रास्ते हैं उनका कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। इंडिया के रास्ते में सुपर बाइक्स दौड़ते हुए आपको नजर आएंगे। तो दोस्तों, आप लोग बहुत ही जल्द ये एपिसोड्स आपके टीवी स्क्रीन पर, आपके घर पर देख पाएंगे। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप सीआईडी को देखने के लिए कितने दिन से वेट कर रहे हैं सीजन 2 को, और सीआईडी शो आपको क्यों अच्छा लगता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।